नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में आया है, जो की गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। बात करेंगे हम इसमें फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। तो टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के थ्रू इसमें फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है 11 पोस्ट का। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आप देखोगे फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें 11 पोस्ट में से 6 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए, एससी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट इसमें रखा गया है। टोटल 11 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। एक टर्म एंड कंडीशन यहां पर एक और चीज रखा गया है। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जिनका भी सिलेक्शन होगा इस हॉस्पिटल में, उनको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में विद इन 6 मंथ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यानी अगर आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से पहले ही रजिस्टर्ड हैं, तब तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले से यूपी के कैंडिडेट हैं या मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं या गुजरात के कैंडिडेट हैं, कोई भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपको सिलेक्शन होने के 6 महीने के अंतर्गत आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी रखा है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर 27 इयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो नील यानी जीरो एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहने वाला है। यहाँ पर आपका फिक्स सैलरी होगा 43,800 रुपए यानी 43,800 रुपीज आपका फिक्स सैलरी रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्म को फिल कैसे करें और कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में यहाँ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात कर लेते हैं हम। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो मिनिमम 6 मंथ का रहने वाला है, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पर है कि आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां आपको करंट ओपनिंग में जाएंगे जैसे ही तो यहां पर देख जाएगा एडवर्टाइजमेंट। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे ये ऑफिशियल पीडीएफ आपको दिख जाएगा। आपको फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर द फार्मासिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, अपना मैरिटल स्टेटस, देन कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फिर एज क्या है, कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर आपका बोर्ड नेम, कंप्लीटेशन डेट, ग्रेड्स क्या आए थे, मार्क्स क्या आए थे आपके बोर्ड में, देन 12 में क्या मार्क्स आए थे, बोर्ड का नाम, ग्रेड परसेंटेज, फिर आएगा आपका बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो उसके बारे में यहां पर पूछा गया है, आपने बी फार्मा पास किया है या नहीं, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, कब पास किया है, कितने परसेंटेज थे आपके बैचलर इन फार्मेसी में, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप फिल करते हो इसके बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, ये भी मैंडेटरी है। अपना फार्मेसी का सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका फार्मासिस्ट का नंबर होता है, वो अपलोड करना है। अपना कैटेगरी मेंशन करना है। देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। कोई भी पीसीसी जो है वो होना चाहिए यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका अपलोड फोटो करना है। देन आपको आधार कार्ड का या फिर कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक अपलोड करना है। देन 10th 12th इन सब का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। इसके बाद बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी का डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। देन रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले कहीं पर काम किया है तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। देन फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो ये भी आपको अपलोड करना है। देन आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सब सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। बात करेंगे हम आपको चार्जेस कब देने होंगे।
तो जैसे ही आप चार्जेस की बात करते हैं तो पेज नंबर 9 पर जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो आपको स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए ईमेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगी। बात करेंगे हम कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू के टाइम में एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर एक देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में, जब अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको 2000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो तो अगर आपको स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो 2000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो है वो बनाना होगा और वो आपको जमा करना होगा। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, लेकिन ये अभी की बात नहीं है, अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जब आपको स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए पर्सनल मैसेज या ईमेल आएगा देन आपको डीडी बनाना है, अभी नहीं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में, आपको ये सब ले जाना है डॉक्यूमेंट, फोटो, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट और अफिडेविट बना के ले जाना है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू अगर आपका हो गया और आप अगर पास हो गए देन आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये अफिडेविट है। तो इस तरह से अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप TCIL यानी टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां पर जाकर आप पहले ही करंट ओपनिंग में देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को देख सकते हो। देन एप्लीकेशन फॉर फार्मासिस्ट पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म को फिल करके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में आता है उसमें एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन करने का। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है, 43,800 रुपए आपका सैलरी रहने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।